नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट सुनील कुमार द लीगल टाइम्स से एक नए प्रावधान के साथ। ये प्रावधान है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ना करने का। जी हाँ, सही सुना, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में अगर डिफॉल्ट हो जाते हैं तो क्या प्रोसीजर है, क्या RBI गाइडलाइंस क्या कहती है, इस पर थोड़ी नज़र डालते हैं। नॉर्मली मेरे पर क्लाइंट्स आते हैं, पूछते हैं जनाब सर हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तो हमने ले रखी है, पर्सनल लोन ले रखा है, क्या वो सिक्योर लोन है या अनसिक्योर लोन है। पहले मैं बता दूँगा कुछ चीज़, जो क्रेडिट कार्ड का जो लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पर्सनल लोन लेते हैं, वो अनसिक्योर लोन होता है। पे तो करना पड़ता है, हो आपकी राइट्स भी हैं, आपको पे करना चाहिए, लेकिन उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या स्पेसिफिकेशन है। आप देखो, पहले जब लोन लेंगे आप डिफॉल्ट होते हैं तो आपका अकाउंट जो है NPA में चला जाता है, कि और सिबिल आपका ख़राब भी होता है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जब भी जाते हैं तो आपके ऊपर आपको ब्लैंक कॉल्स भी आएंगे, आपको रिकवरी एजेंट्स आपके घर भी आएंगे, तंग भी करेंगे, डिस्टर्ब भी करेंगे, और आपका काम भी नहीं करने देंगे। तो आज मैं सोल्यूशन समझाता हूँ इस चीज़ में, करना क्या है। जब भी आप नोटिस आएँ, पहले मतलब जब भी आप कॉल्स वगैरह हैं तो आप सीधा कीजिए सर हमें लोक अदालत में भेज दीजिए, हमें सेटल करना चाहते हैं, सबसे बड़े क्राइटेरिया। तो वो क्या कहेंगे, सर लोक अदालत ना करके आप सबसे सेटल कीजिए। पहले आप जिससे भी सेटलमेंट की बात चल रही है तो उसको बताइए कि आप भी बताइए, आपका आई कार्ड बताइए, आप प्रॉपर बैंक के बंदे हैं कि मुझे नहीं है। अगर आपको आई कार्ड दिखाते हैं, एम्प्लॉय ID दिखाते हैं, तभी आप प्रोसीड करने नहीं करना कीजिए। या फिर दूसरा तरीका, आप मेल से कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए अगर आप सेटल करना चाहते हैं, कि भाई मेरे पास प्रॉब्लम ये है और मुझे इतना टाइम दिया जाए, मैं इतना सेटलमेंट करने तैयार हूँ, और बैंक आपकी सुनता है। उसके बावजूद भी अगर होता है, अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, नहीं पे बैक कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं। देखो, आपने बैंक को अपना सोल्यूशन बताइए, अपनी रिक्वेस्ट डालिए कि इस प्रॉब्लम कहाँ फेस कर रहा हूँ, तो बैंक पूरी हेल्प करेगा। लेकिन अगर बैंक अपना जो है किसी रिकवरी एजेंट्स को अपना फंड्स दे देता है, तो आप मानिए वो रिकवरी एजेंट वाले आपके घर में आएंगे, बदतमीजी करेंगे, आपके जितने भी एडल्ट मेंबर होंगे या बच्चे होंगे घर में, या हो सकता है कि आपको अकाउंट आपके ब्लॉक में आपको गोली गलाच भी करें, गाली गलोच भी करें, उसमें आपको क्या करना है। उस समय अगर जब वो बैंक वाल रिकवरी एजेंट आता है, तो पहले तो उसके कंप्लेंट कीजिए बैंक के अंदर कि मेरे से फलाने बंदे ने ये गाइडलाइन से प्रॉब्लम तंग कर रहा है, इस फ़ोन से आके मैं तंग कर रहा है। दूसरी बात, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। तीसरी बात, अगर तब भी सुनते नहीं तो आपके पूरी राइट्स है सिविल सूट डाल सकते हैं डिफेमेशन के अंदर, कि मेरे को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही है, मेरे डिफेम किया जा रहा है, तो आप समझ गए। और चौथी बात, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ 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 आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, बैंक से कॉन्टेक्ट कीजिए, कोई रिकवरी एजेंट्स को बीच में इंटरफेयर नहीं करें, क्योंकि रिकवरी एजेंट्स सिर्फ उनका सोर्स है इनकम, हमसे ही लोगों से पैसे निकालना, यानी कि उनको क्या है, उनको एक कमीशन दी जाती है कि हमें निकाल के देंगे तो आपको 20% 10% का जितना अमाउंट का सेटलमेंट होगा उतना दिया जाएगा। तो बेस्ट है आप रिकवरी एजेंट से ना मिलके आप बैंक वाले से कॉन्टेक्ट कीजिए, बैंक वाले आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और आपकी सुनेंगे भी। अगर आपको बैंक वाले भी नहीं सुनते तो आपके पास एक हायर राइट है, ग्रीवेंस सेल होता है बैंक का, ओम्बेस्टमैन सर्विसेज, ओम्बेस्ट वालों को अपनी बताइए, क्वेरी लिखिए, मेल डालिए और बताइए कि मैंने ये लोन रखा है, पर्सनल लोन रखा है और मैं इसको सेटल करना चाहता हूँ, या तो लोक अदालत से सेटल कर दीजिए या फिर मेरे को इतनी EMI में बांध दीजिए ताकि मैं उसको रिव्यू कर दूँ। और आपकी सुनती है, जी हाँ बिल्कुल सुनते हैं। अगर तब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ अपने वकील भाई से या वकील बहन से कंसल्टेट कर लीजिए, वो आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं। और अगर तब भी कुछ नहीं हो पाता तो प्लीज़ एक बारी आप कोर्ट के अंदर उन दिखाइए तो और बताइए, पुलिस वाले भी हो बैंक वाले भी तंग कर रहे हैं, और ये अपने वकील भाई के थ्रू जाइए और तो फिर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।